फिल्म आधुनिक टोक्यो की एक झलक के साथ शुरू होती है, जहां पिता युइची एक घटना के बाद अपने बेहोश बेटे के पास अपना समय बिताते हैं, जहां किसी ने लड़के को छत से धक्का दे दिया था। युइची के पिता एल्डर भी मिलने आते हैं, लेकिन वो समर्थन करने के बजाय कठोर होते हैं, क्योंकि आश्चर्य होता है कि जब उनके बेटे को उनकी जरूरत थी तब वो कहाँ थे। कुछ समय बाद युइची ने बदला लेने का समय तय करते हुए अपनी बंदूक वापस ले लेता है। इस बीच एक बहुत ही बदकिस्मत अमेरिकी भाड़े का सैनिक अपने हैंडलर मारिया से फोन पर बात करते हुए शहर की सड़कों पर चलता है, जो उसे उसकी बुरी किस्मत के लिए एक मजाक के रूप में कोडनाम लेडी बर्ड देता है। मिशन सरल है, उसे बुलेट ट्रेन में चढ़ना होगा और एक रहस्यमय ब्रीफकेस चुराना होगा जिसके हैंडल पर एक स्टिकर लगा होगा। ये कार्यभार कार्वर नामक एक अन्य भाड़े के सैनिक को मिलना था, लेकिन बीमार होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। एक बार जब वो स्टेशन पहुंचता है तो लेडीबर्ग गलती से युइची से टकरा जाता है, जिसके कारण उसे बिना किसी सूचना के अपने लॉकर की चाबी और टिकट गिराना पड़ता है। सौभाग्य से लेडीबर्ग ताले तोड़ना जानता है और किसी भी तरह लॉकर खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसे उस स्लीपिंग पाउडर तक पहुँच मिल जाती है जिसके लिए उसने अनुरोध किया था, लेकिन उसने बंदूक लेने से इनकार कर दिया। लेडीबर्ग को कंडक्टर को केवल रसीद के साथ अंदर जाने देने के लिए मनाना पड़ता है, लेकिन युइची बिना किसी समस्या के बोर्ड पर चढ़ जाता है और उस व्यक्ति द्वारा उसे भेजे गए नोट पर दिए गए निर्देशों का पालन करता है जिसने उसके बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि उसे सीट पर एक युवा प्यारी लड़की मिलती है और युइची सोचता है कि उसने कुछ गलत किया है, जब तक कि लड़की उसे परेशान नहीं करती। ये प्रिंस एक युवा महिला है जो अपराध करने के लिए मासूम लड़की अधिनियम का उपयोग करती है। ईयरपीस के माध्यम से मारिया के निर्देशों का पालन करते हुए लेडीबर्ग ब्रीफकेस खोजने के मिशन पर निकल पड़ता है। इस बात से अनजान कि ब्रीफकेस टेंजरीन और लेमन नामक हत्यारे भाइयों की जोड़ी का है, लेडीबर्ग ने इसे गाड़ी के अंत में सामान रैक में ढूंढ लिया। ब्रीफकेस पर लगा स्टिकर लेमन का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि उसे थॉमस टैंक इंजन रूपकों का जुनून है और वो अपने साथ थॉमस स्टिकर की एक शीट रखता है। हालांकि ट्रेन में भाई की मौजूदगी केवल ब्रीफकेस की सुरक्षा के लिए नहीं है। उन्होंने एक कुख्यात माफिया बॉस के बेटे सन ऑफ व्हाइट डेथ का भी अपहरण कर लिया है और उसका लक्ष्य उसे उसके दुश्मनों द्वारा व्हाइट डेथ को दी गई फिरौती की रकम से भरे ब्रीफकेस के साथ वापस करना है। लेमन को एहसास हुआ कि ब्रीफकेस रैक से गायब है, लेकिन वह शांत रहा और बेटे की सुरक्षित पहुंचाने को प्राथमिकता दी। टेंजरीन ने लेमन के साथ व्हाइट डेथ की पूरी कहानी साझा करते हुए इसके महत्व को समझाया। वह एक पूर्व रूसी माफिया सदस्य जो व्हाइट डेथ बन गया, पर भरोसा करने के कारण पूर्व अंडरवर्ल्ड नेता मिनेगिशी के पतन को याद करती है। व्हाइट डेथ ने अपना गिरोह बनाया और एक ही रात में मिनेगिशी और उसके लोगों का सफाया कर दिया। तब से वह एक प्रमुख आपराधिक संगठन को लीड करते हुए एक बेरहम और मानसिक हत्यारा बन गया है। टेंजरीन और लेमन को उनकी स्किल्स के लिए काम पर रखा गया था, क्योंकि व्हाइट डेथ अपनी दुखद घटना के कारण व्यक्तिगत भागीदारी से बचता है। हालांकि वे बेटे के निर्जीव शरीर और आंखों से खून बहते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। युइची जागती है और पाती है कि राजकुमार ने उसकी बंदूक के साथ छेड़छाड़ की है और वह अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में डालती है। प्रिंस ने युइची के व्हाइट डेथ के साथ जुड़ाव के बारे में अपनी जानकारी का खुलासा किया और बताया कि कैसे उसने हाल ही में व्हाइट डेथ के एक सहयोगी को एक ब्रीफकेस दिया था। मौका देखकर वह चाहती है कि युइची उसके लिए व्हाइट डेथ की हत्या कर दे। लेडीबर्ग एक अन्य ट्रेन डिब्बे में शरण लेता है, लेकिन उसका सामना वुल्फ से होता है, जो एक प्रतिशोधी भाड़े का सैनिक है जो अपनी पत्नी और मेहमानों की मौत के लिए ट्रेन में किसी को दोषी ठहराता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जो उन्हें ट्रेन के बाहर तक ले जाती है। एक हताश चाल में वुल्फ ने लेडीबर्ग पर चाकू से वार किया, लेकिन उसका चाकू सुरक्षित ब्रीफकेस से टकराकर पलट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन दूसरे स्टॉप के पास पहुंचती है, जिससे भाई बेटे की शक्ल बदलने के लिए प्रॉम्प्ट होते हैं और ब्रीफकेस वापस लाने की तैयारी करते हैं। लेमन एक दरवाजे पर पहरा देता है, हर जाते हुए यात्री का निरीक्षण करता है। लेडीबर्ग लेमन को उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसने पहले उसे मारने का प्रयास किया था। उस एग्जिट को यूज करने में असमर्थ, लेडीबर्ग ट्रेन के बीच से भागता है, ट्रेन के मैस्कॉट का सामना करता है जो ब्रीफकेस को छीनने की कोशिश करता है। एक छोटी सी हाथापाई के बाद लेडीबर्ग अगले निकास की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन निकल जाती है। बार में लौटकर लेडीबर्ग ब्रीफकेस छुपाता है, वुल्फ का फोन लेता है और मारिया से कांटेक्ट करता है। सच्चाई बताते हुए मारिया ने खुलासा किया कि शादी में हुई हत्या में वुल्फ के बॉस को निशाना बनाया गया, जिससे अनजाने में कई मौतें हुईं।
लेडी बर्ड, जिसने वेटर के रूप में शादी में घुसपैठ की थी, गलती से वुल्फ का गिलास गिरा दिया लेकिन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं था। अगले कदम पर विचार करते हुए लेडी बर्ड ने टेंजरीन को ब्रीफकेस ढूंढते हुए देखा और सामान रैक में छिपने का फैसला किया। हालांकि टेंजरीन ने लेडी बर्ड को नोटिस किया है, लेकिन वो उसे अपने पिछले मिशन से नहीं पहचानता है और आगे बढ़ता रहता है। टेंजरीन ब्रीफकेस के बारे में जानकारी मांगते हुए प्रिंस और युइची से मिलती है। प्रिंस ने लेडी बर्ड की शक्ल का वर्णन किया है क्योंकि उसने उसे पहले ही देखा था। इस बीच लेमन को अपने भाई से लेडी बर्ड के विवरण के साथ एक मैसेज मिलता है। जैसे ही लेडी बर्ड उसके सामने बैठा होता है, लेडी बर्ड ने एक डील का सुझाव दिया और अपने जीवन के बदले में ब्रीफकेस वापस करने के लिए कहा। हालांकि टेम्पटेड होने के बाद भी लेमन लेडी बर्ड की पिछली हत्या के बाद अच्छा करने को तैयार नहीं है, बेटे का जिक्र करते हुए, जबकि लेडी बर्ड का मानना है कि उसका मतलब वुल्फ से है। लेमन अभी भी मेटफोर्स को क्लिंजिंग करने में लगा है, एक लड़ाई शुरू करता है, लेकिन लेडी बर्ड अपनी बंदूक का उपयोग करने से पहले उसे अक्षम करने में सफल हो जाता है। लेडी बर्ड एक योजना बनाता है, लेमन की पानी की बोतल में स्लीपिंग पाउडर भरता है और बंदूक को सामान के रैक में छिपा देता है। वो सन के बेजान शरीर की भी खोज करता है, जिसकी आंखों से वुल्फ की शादी में शिकार व्यक्तियों की तरह खून बह रहा है। टेंजरीन गाड़ी में लौट आती है, लेकिन लेडी बर्ड भागने से पहले लेमन का फोन लेने में सफल हो जाता है। वो मारिया से संपर्क करके उसे मौतों और ट्रेन में रहस्यमय उपस्थिति के बीच संबंध के बारे में सूचित करता है। बातचीत के बीच लेडी बर्ड ने गलती से पिंजरे से एक सांप को छोड़ दिया जो रक्तस्राव के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। टेंजरीन और कंडक्टर से छिपते समय लेडी बर्ड कुछ देर के लिए एक्सपोज हो जाता है, लेकिन दूसरे यात्री के पास जाकर टेंजरीन को भ्रमित कर उलझा देता है, जिससे वो भागने में सफल हो जाता है। इस बीच प्रिंस और युइची ब्रीफकेस ढूंढते हैं और बाथरूम में छिप जाते हैं। युइची को एल्डर का फोन आता है, जिसे प्रिंस स्पीकर पर रख देता है। युइची ने एल्डर को निराशाजनक ढंग से बदला लेने की इच्छा के बारे में बताया। इससे पहले कि युइची जवाब दे सके, प्रिंस ने कॉल एंड कर दिया और किसी भी तरह के डिस्ट्रक्शन को दूर करने के लिए युइची का फोन हटा दिया। टेंजरीन लेमन के पास लौटती है और उसे जगाती है, जिससे सन की मौत में लेडी बर्ड के जुड़े होने के बारे में संदेह पैदा होता है। योजनाओं में बदलाव की जानकारी देने वाली एक कॉल से उनकी बातचीत इंटरप्ट होती है। क्योटो की ओर जाने के बजाय उन्हें सन और ब्रीफकेस के साथ अगले स्टॉप पर उतरना होगा, जहां याकूब गैंगस्टरों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा है। किसी जाल में फंसने का संदेह होने पर भाई बहन एक योजना बनाते हैं। टेंजरीन अकेले उतरती है और गुंडों को विश्वास दिलाती है कि वह उनकी चाल को समझ गया है, जबकि लेमन अंदर ही रहता है और कठपुतली की तरह सन की हरकतों को कंट्रोल करता है। टेंजरीन के सुरक्षित रूप से ट्रेन में वापस आने के बाद भाई लेडी बर्ड की खोज करने के लिए अलग हो गए और टेंजरीन ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लेमन को अपनी बंदूक सौंपी। उनकी अनुपस्थिति में प्रिंस सन की चेकिंग करता है और उसके बेजान चेहरे पर थूककर तिरस्कार व्यक्त करता है। फिर वो बाथरूम में लौटता है, जहां युइची ने सफलता से ब्रीफकेस खोल लिया है। हालांकि प्रिंस के मन में एक अलग लक्ष्य है। जब वह इसे खोलता है तो अपने इतिहास से प्रेरित होकर व्हाइट डेथ को खत्म करने के लिए अपने विरोधियों के खिलाफ उनके हथियारों का उपयोग करता है और इसके अंदर एक बम लगाता है। इस बीच लेडी बर्ड दूसरे बाथरूम में छिप जाता है, क्योंकि मारिया उसे एक प्रसिद्ध सर्जन की हत्या के बारे में बताती है, जो एक प्रक्रिया के दौरान आंखों से खून बहने वाले जहर का शिकार हो गया था। हत्यारा, जिसे हॉनेट के नाम से जाना जाता है, लेडी बर्ड का लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए भाई बहनों को सौंपने के लिए हॉनेट को ढूंढना होगा। दुर्भाग्य से लेमन के फोन को यूज करना एक गलती साबित हुई, क्योंकि टेंजरीन फोन के ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से लेडी बर्ड को ट्रैक करता है। जैसे ही लेडी बर्ड और टेंजरीन के बीच लड़ाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, टेंजरीन को व्हाइट डेथ के हैंचमैन से एक क्रिटिकल फोन कॉल आता है। मैसेज में मांग की गई है कि टेंजरीन अगले स्टेशन पर ब्रीफकेस के साथ उतर जाए, अन्यथा ट्रेन में सवार सभी लोगों के मारे जाने का परिणाम भुगतना होगा। क्या करना है घबराते हुए लेडी बर्ड एक साहसी योजना का प्रस्ताव रखता है। यह मानते हुए कि गैंगस्टर लेमन की शक्ल से अनजान है, लेडी बर्ड ने लेमन की पहचान मानने का सुझाव दिया। वे व्हाइट डेथ के हैंचमैन को धोखा देने की उम्मीद में एक चोरी हुए ब्रीफकेस के साथ अगले स्टेशन पर उतरते हैं। हालांकि उनकी योजना में अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है, जब ब्रीफकेस गलती से खुल जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें अपेक्षित फिरौती की रकम नहीं है। ठीक समय पर लेडी बर्ड और टेंजरीन व्हाइट डेथ के हैंचमैन द्वारा पकड़े जाने से पहले ट्रेन में दोबारा चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं।
अगले पड़ाव पर लेडी बर्ड टेंजरीन को बताता है कि ब्रीफकेस कहाँ छिपा है और ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि टेंजरीन लेडी बर्ड को बलि का बकरा बनाए रखने पर जोर देती है। एक हताश चाल में लेडी बर्ड ने ट्रेन के दोबारा रवाना होने से ठीक पहले टेंजरीन को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस बीच लेमन पानी पीते हुए लेडी बर्ड की खोज जारी रखता है। उसका सामना युइची और प्रिंस से होता है, जो एक केस के साथ वाले संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पूछे जाने पर निर्दोष होने का नाटक करने की कोशिश करते हैं। प्रिंस के जवाब पर शक करते हुए लेमन ने उन्हें बात करने के लिए मजबूर करने की वजह से युइची को गोली मार दी। लेमन और प्रिंस युइची के शव को बाथरूम में छिपा देते हैं। इसके बाद लेमन अपना ध्यान प्रिंस की ओर लगाता है, लेकिन नींद का पाउडर प्रभावी हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए प्रिंस लेमन की बंदूक लेता है, उसे गोली मारता है और उसे बाथरूम में छिपा देता है। हालांकि टेंजरीन ने हार मानने से इनकार कर दिया और ट्रेन का पीछा किया। आखिर में उसकी पूंछ पर कूद गया और खिड़की तोड़कर फिर से ट्रेन में घुस गया। लेडी बर्ड एक अलग ट्रेन डिब्बे में जाता है और युइची का फोन बजता हुआ पाता है। एल्डर सन की जाँच कर रहा है, लेकिन लेडी बर्ड उसे ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करने की सलाह देता है और कॉल एंड कर देता है। बार में लौटकर लेडी बर्ड फटा हुआ ब्रीफकेस निकालता है और क्लू के लिए वुल्फ की बॉडी की जांच करता है। डरावने कॉस्ट्यूम के अंदर लेडी बर्ड हॉर्नेट को बताता है, जो सन की हत्या करने और शेफ के रूप में शादी में घुसपैठ करने की बात कबूल करता है। जिस महिला ने भेड़िए की पत्नी और मेहमानों को जहर दिया था, उसने व्हाइट डेथ के बेटे को भी जहर दिया था। वो लेडी बर्ड पर एक जहरीली सिरिंज से हमला करती है, लेकिन वो स्थिति को उलटने में कामयाब हो जाता है और उसकी जगह उसे इंजेक्शन लगा देता है। एंटीडोट्स का उपयोग करने की उसकी कोशिशों के बावजूद लेडी बर्ड ने तेजी से उसकी गर्दन पर चाकू मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। टेंजरीन ने प्रिंस को ट्रेन में देखा और वो उसके पास पहुंची और दावा किया कि एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया है और टेंजरीन के अंकल की हत्या कर दी है। उसने सहानुभूति हासिल करने और लेडी बर्ड को धोखा देने के लिए एक कहानी गढ़ने की पूरी कोशिश की, जिसने शुरू में उस पर विश्वास किया था। हालांकि लेडी बर्ड ने अचानक उसे डीजल नामक हत्यारे के रूप में पहचान लिया, जिसका नाम लेमन ने रखा था। जैसे ही लेमन ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेडी बर्ड ने हस्तक्षेप किया और टेंजरीन पर हमला कर दिया। लेडी बर्ड को धोखा देने की कोशिश में प्रिंस ने एक बेकसूर मुखौटा पहन लिया। हालांकि उनकी मुलाकात में अचानक मोड़ तब आया जब एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया। जैसे ही लेडी बर्ड ने उठने की कोशिश की, उसे सांप ने काट लिया। चिंतित होकर उस व्यक्ति ने प्रिंस से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की और उसके पोते की दुर्घटना के बारे में पूछा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए प्रिंस ने अपने सभी कार्यों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे की मदद से व्हाइट डेथ को खत्म करने के अपने इरादे का खुलासा किया। प्रिंस ने व्हाइट डेथ के बेटे और पोते की हत्या की जिम्मेदारी ली। हालांकि कबूलनामे से अप्रभावित बुजुर्ग व्यक्ति ने खुलासा किया कि उसके पोते को मारने का उनका प्रयास विफल हो गया था, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की रक्षा के लिए वहां मौजूद था। लेडी बर्ड एल्डर से जुड़ता है, जो अपने अतीत के बारे में बताता है। वो एक समय मिनेगिशी के अपराध परिवार का सदस्य था, जो अपने परिवार का समर्थन करने के वादे से प्रेरित था। व्हाइट डेथ के बारे में मिनेगिशी को चेतावनी देने के बावजूद उसे अंदाज कर दिया गया। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ पाया और उनका घर खत्म हो गया, केवल युइची जीवित बचा। एल्डर बदला लेने और अपने बेटे की रक्षा करने के लिए छिप गया। अब भाग्य उन्हें ट्रेन में एक साथ ले आया है और उन्होंने व्हाइट डेथ के खिलाफ एक साथ होने का फैसला किया है। बाथरूम में एल्डर और लेडी बर्ड युइची और लेमन दोनों को सुरक्षित पाते हैं। लेमन प्रिंस द्वारा छोड़े गए हार से परेशान है। लेमन की बदला लेने की इच्छा बढ़ती है और वो लेडी बर्ड और युइची को निशाना बनाता है। व्हाइट डेथ के खिलाफ एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए एल्डर ने आगे आया। लेडी बर्ड ब्रीफकेस के साथ ट्रेन से बाहर निकलता है, लेकिन हेंचमैन द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस बात पर असहमति पैदा होती है कि ब्रीफकेस कौन खोलेगा और उसके सामान को कौन चेक करेगा। ट्रेन में प्रिंस को पता चलता है कि व्हाइट डेथ उसके पिता हैं। वो अपने छोटे भाई का पक्ष लेने के लिए उससे नाराज है और खुद को साबित करना चाहता है। नालायक समझे जाने के बाद भी अपने पिता का ध्यान पाने के लिए वो अपने छोटे भाई से दुश्मनी करता है। हैरानी की बात यह है कि व्हाइट डेथ उसकी बंदूक ले लेता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये दावा करते हुए कि वह कभी भी उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। लेमन कंट्रोल रूम को समझने की कोशिश करता है, जबकि व्हाइट डेथ ब्रीफकेस चेक करता है और लेडी बर्ड के सिद्धांत का खुलासा करता है।
ये पता चला है कि हथियारों को व्हाइट डेथ ने अपनी पत्नी के दुखद अतीत से जुड़ी हुई वेंजफुल प्लानिंग के हिस्से के तौर पर काम पर रखा था। व्हाइट डेथ बोलिविया में भाई बहन के मिशन की कहानी का खुलासा करता है, जहां उन्हें उसके ग्रुप को खत्म करने के लिए कहा गया था। उन्हें अपनी पत्नी को पीछे छोड़ना पड़ा और कार की घटना उन पर हत्या का कोशिश थी। दुर्भाग्य से गैंग के सर्जन के वहां ना होने के कारण उसकी पत्नी को नहीं बचाया जा सका, जिसे हॉर्नेट ने मार डाला था। बेटे की भागीदारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी ने उनकी मदद करने की कोशिश की। ट्रेन में लेडीबर की मौजूदगी गलत पहचान का मामला था, क्योंकि व्हाइट डेथ का इरादा कार्वर को निशाना बनाना था, जो उसकी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार किराए का सैनिक था। इससे पहले कि लेडीबर कुछ समझा सके, हेंचमैन ब्रीफकेस खोलते हैं, जिससे एक भयंकर विस्फोट होता है। युइची और एल्डर शवों की तलाश कर रहे गैंगस्टरों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जबकि लेमन ट्रेन को फिर से शुरू करने में सफल हो जाता है। विस्फोट के बाद लेडीबर, व्हाइट डेथ और उसके दूसरे ग्रुप को ट्रेन में फेंक दिया गया और वहां चल रही लड़ाई में शामिल हो गए। एल्डर को खतरनाक हाथों हाथ लड़ाई में व्हाइट डेथ का सामना करना पड़ता है, लगभग हार माननी पड़ती है। हालांकि युइची व्हाइट डेथ पर पानी की बोतल फेंककर उसके बचाव में आता है, जिससे वो टेम्परी तरीके से असमर्थ हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए एल्डर तेजी से अपनी तलवार से व्हाइट डेथ को भेजता है। हेंचमैन्स द्वारा पीछा किए जाने के दौरान लेडीबर और लेमन ब्रेक ढूंढने के लिए मिलकर काम करते हैं। लेमन ने लेडीबर को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिससे आखिरी गैंगस्टर ट्रेन से गिर गया। लेडीबर ने ब्रेक एक्टिव करने के लिए तारों को काट दिया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई और क्योटो में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एल्डर और युइची एक सीट पकड़कर जिंदा रहते हैं, जबकि लेडीबर एक डरावने कॉस्ट्यूम पर सुरक्षित तरीके से उतर जाती है। वे व्हाइट डेथ को जीवित देखते हैं, लेकिन एंड में वो प्रिंस की बंदूक से मारा जाता है। जैसा कि तीनों का मानना है कि वे एंड में सुरक्षित रूप से प्रस्थान कर सकते हैं, प्रिंस व्हाइट डेथ का दायित्व लेने के लिए सामने आती है। हालांकि उसकी योजनाएं अचानक बीच में ही रुक जाती हैं, जब कीनू से भरा एक ट्रक उसे कुचल देता है। लेमन, जो सुरक्षित तरीके से नदी से तैरकर बाहर आ गया था और मौके का फायदा उठाया, उसने प्रिंस से अपना बदला लेने के लिए ट्रक का उपयोग करके बदला लेने की कोशिश की। युइची और एल्डर को विदाई देने के बाद लेडीबर एक फैंसी कार में मारिया को आते हुए देखता है, जो उसे लेने आ रही है। हालांकि उनकी लड़ाई तब और बदतर हो जाती है, जब लेडीबर की बुरी किस्मत सामने आती है, जिससे मारिया की कार को खत्म करने के लिए एक लाइट पोस्ट गिरती है, जिससे वे सदमे की स्थिति में आ जाते हैं। अनसर्टेन लूम होने की वजह से उनकी यात्रा एक अनिश्चित मोड़ लेती है, जिससे हम उत्सुकता से यह अनुमान लगाने लगते हैं कि आगे क्या होगा।